बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा कल हमने स्टार्ट किया हुआ था कि सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बेटा हमने पहला जो है ये पहला पेज और बेटा स्लाइड ये हमने कल जो है वो पढ़ी थी। हमने बेटा कल भी कहा था कि सेल जो है वो वाकई स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से वो यूनिट है। इसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है, इसके बगैर सर्वाइवल बका एक लिविंग की वो इम्पॉसिबल है। कल ही बड़ा हमने कहा था कि जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं हर सेल अपना अपना काम कर रहा है, गोया उनमें बड़ा डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की तकसीम है। जब काम की तकसीम होगी हर कोई अपना अपना काम करेगा तो बड़ा काम पहले से बेहतर हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाएगा। कल बेटा हमने कहा था इसको, जैसे बेटा हमने एग्जांपल दिए थे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, ब्रेन का है, आई का है, ईयर का है, स्टमक का है, लीवर का है, मसल्स का है, बोन का है तो सारे सेल्स, लेकिन हर सेल बच्चों अपना अपना एक मखसूस वो काम कर रहे हैं, कोई भी किसी और का काम नहीं कर सकता। ये कंफर्म है, आगे बड़ा बताएगा आपको। फिर बड़ा हमने कहा था कि देखा जाए तो डिवीजन ऑफ लेबर है ना सिर्फ सेल्स में है, बल्कि सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। बड़ा उनमें भी है, जैसे बच्चों हमने कहा था कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देखे जाए, माइटोकांड्रिया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या गॉल्जी है, सेल मेम्ब्रेन है एक्सेट्रा, हर एक के जिम्मा अपना अपना काम लगा हुआ है। वह ऑर्गेनाइज लेवल पर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। अब सेल लेवल पर थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता है, समझाते हैं आपको वही बात कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग देयर डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन है। तो डिफरेंट सेल्स लेकिन हर कोई अपना अपना मखसूस एक काम कर रहा है। जैसे कल भी पढ़ा हमने कहा था कि अगर एनिमल्स एग्जाम्पल हम लें, वहां पर मसल सेल खड़े हुए हैं, मसल सेल्स का काम कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होना है, फैलना और बच्चों सुकड़ना है। जैसा कि यहां बेटा हमने कहा था ये डिफरेंट टाइप्स के मसल्स आ रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, जैसे कि नाम से जाहिर है जो आपके स्केलेटन के साथ, बोन के साथ, ढांचे के साथ जाकर अटैच होते हैं। स्मूथ मसल्स जो आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टन है, आंतें, स्टमक है, उसको बनाने वाले जो मसल्स स्मूथ हैं। कार्डियक मसल्स आपके हार्ट के अंदर है, हार्ट को बनाते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के बड़ा मसल आ गए, तो इनका काम है कंटेक्शन और रिलैक्सेशन। जैसा कि स्केलेटल मसल कंटेक्ट रिलैक्स होगा तो आप चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, कार्डियक मसल्स कंटेक्ट रिलैक्स होगा तो हार्ट की बीटिंग होगी, तो इनका काम है कंटेक्शन और रिलैक्सेशन। फिर बड़ा वापस चलते हैं, नर्व सेल्स का काम है ट्रांसपोर्ट द इंपल्सिस, पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। कल बेटा हमने कहा था अगर देखा जाए, जैसे बेटा आप हैं इस लेक्चर को सुन रहे हैं, सुनते कहां से, आपके ईयर से, ईयर के अंदर आपके नर्व या न्यूरॉन जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, फिर आप लेक्चर को देख भी रहे हैं, स्लाइड्स देख भी रहे हैं, तो आई में से यहां से न्यूरॉन या नर्व फिर मैसेज लेकर आपके ब्रेन तक जा रहा है। तो जो मैसेज आपकी समाज से या वियन से ब्रेन की तरफ जा रहा है या वापस आ रहा है वो सारा बेटा हार्मोन्स की वजह से, उसको बेटा हार्मोन कर रहे हैं, उसको सॉरी बेटा नर्व कर रहे हैं, न्यूरॉन कर रहे हैं। फिर बेटा हम कहते हैं कि जो ग्लैंड सेल्स हैं, हाँ इनका काम सिक्रीशन है, सिक्रीट द हार्मोन्स। जैसे बेटा कल भी हमने कहा था टीयर ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, या उसके अलावा आपके सलीवरी ग्लैंड्स हैं जहां से उनकी अपने मखसूस सिक्रीशन निकलता है। स्वेट ग्लैंड से बच्चों स्वेट आएगा, पसीना आएगा। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स कैरी आउट द ऑक्सीजन। कल बेटा हमने एक स्लाइड दिखाई थी आपको, ये आरबीसी खड़े हुए गोल गोल, ये आरबीसी जो एक सेल है रेड ब्लड सेल, उसकी शक्ल ऐसे जैसे कि फांटा की बच्चों टॉफी होती है, किनारे मोटे हैं, दरमियान से वो पतले हैं, काम के ऑक्सीजन को कैरी करना। ये कहाँ खड़े हुए हैं, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ये वहां दिखाया जा रहा है आपको। फिर वापस चलते हैं, सम स्टमक सेल्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस,
कुछ स्टमक के, मेदा के जो सेल्स हैं उनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस को खारिज करना। कल बेटा हमने दिखाया था कि आपका स्टमक खड़ा हुआ है, इसको कट करके उसने बड़ा करके दिखाया, ये जो लेयर है ये वाली इसे बेटा कहते हैं म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा या म्यूकस लेयर, म्यूकोसा लेयर। और इसी के अंदर इस एरिया को उसने बड़ा करके बड़ा यहां दिखाया, ये उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, कुछ बड़ा पर्पल हैं, ये कुछ रेड आ रहे हैं, ब्लू आ रहे हैं। ये हर एक का बच्चों अपना अपना फंक्शन है और हर एक अपने सिक्रीशन निकालेगा और इनकी सिक्रीशन से मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनता है। तो उसने कहा कुछ स्टमक के सेल, हालांकि बेटा इनके अलावा ये एरिया भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है, ये एरिया भी है, इनके नहीं, कुछ कुछ स्टमक के सेल का काम है सिक्रीशन करना। फिर बेटा आगे हम चलते हैं, प्लांट्स की तरफ आते हैं। वो समझाना चाह रहे हैं कि प्लांट हो या एनिमल हो, उनके जितने बड़ा सेल है हर एक सेल वो अपना अपना बच्चों फंक्शन कर रहा है, डिविजन ऑफ लेबर समझाना चाह रहे हैं आपको। जैसे बड़ा जाइलम सेल्स हैं, काम क्या होता है, कंडक्ट वाटर एंड द मिनरल्स, ये पढ़ा है आपने उसको बार बार, जमीन में से वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके पूरे जिस्म तक ऊपर तक पहुंचाना है। और फ्लोएम सेल्स पढ़े हुए हैं आपने, ट्रांसपोर्ट द फूड, जो लीव्स के अंदर फूड तैयार होती है उसको पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाना है। जैसे कि बड़ा ये डायग्राम नजर आ रही है, ये जाइलम सेल्स की है, इसमें जो बैकग्राउंड में ब्लू एरिया वाटर को शो करते हैं और डार्ट जो बने हुए रेड वाले ये मिनरल्स को, साल्ट्स को बच्चों शो करते हैं। वो बेटा दिखाना चाहते हैं कि जाइलम के जरिए वाटर और साल्ट्स की कनेक्शन हो रही है। और याद करना कि जाइलम में मूवमेंट ऑफ मटेरियल अपवर्ड होती है बेटा, अपवर्ड इसलिए फ्रॉम द सॉइल या फ्रॉम द रूट्स अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट्स। और ये बेटा फ्लोएम खड़े हुए हैं, फ्लोएम में मैन्युफैक्चर्ड फूड को बच्चों पहुंचाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड फूड। ये बेटा बताते हैं आपको सिंपल करके कि इनका काम है मैन्युफैक्चर्ड फूड को बच्चों पहुंचाना। और बेटा ये आगे बेटा पढ़ेंगे आप चैप्टर 14 के अंदर कि वो जो फूड होती है, ये बेटा हम कहते हैं कि बनती तो ग्लूकोज की शक्ल में है और फिर जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सुक्रोज की शक्ल में होती है, तो उसको मूव कराने के लिए वाटर भी चाहिए होता है। उसे बड़ा वाटर भी साथ साथ दिखा रहा है आपको, ठीक है। फिर वापस चलते हैं, सक्रीजन काइमेटा सेल्स गिव द सपोर्ट, इसका बड़ा काम है सपोर्ट देना, प्लांट के बॉडी को सपोर्ट करना है। कोलेरन काइमेटा या कोलन काइमेटा सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये सारा बच्चों कल हमने पढ़ा था, इसका काम है फोटोसिंथेसिस को कैरी करना, फोटोसिंथेटिक काम करना है। नेक्स्ट पेरेंट कमेटा सेल्स स्टोर सरप्लस फूड, जो भी प्लांट के अंदर सरप्लस फूड होगी ये अपने अंदर जाकर स्टोर करेगा। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज प्रोड्यूस द न्यू सेल्स, यानी कि इनका काम है ग्रोथ, ग्रोथ करना, साइज में इजाफा होना, ये सारा वो जो कल हमने पढ़ा था। अच्छा बेटा के दिखाते हैं आपको, जस्ट देख लें आप इनको, तैयार नहीं करना आपने, तो तैयार बेटा नहीं करना, जैसा कि ये पेरेंट कमेटस टिश्यू बच्चों दिखा रहा है समझाने के लिए, जस्ट देख लें इसको, ये कोलन कैमा टिश्यू है, ये सेक्रीजन कैमा टिश्यू बड़ा दिखा रहे हैं आप। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसकी वजह से ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ हो रही है बच्चों की, ये देखिए यहां दिखाना चाहते हैं आपको। अभी डिटेल में इतना ना जाना बेटा, इसकी इतनी टाइप्स हैं फिलहाल, फिलहाल ये सेकंड ईयर में आपको पढ़ाएगा जाकर। और फिलहाल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है व्हिच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड द री डिवाइड, जो तकसीम और तकसीम दर तकसीम हो, जिसकी वजह से जाकर ग्रोथ होती है। तो बेटा उसने आपको बताया जैसा कि ये है, तो रिजल्ट बेटा क्या आया कि ऑल दीज सेल्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, शो ग्रेट वेरिएशंस इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर, उनके शेप और स्ट्रक्चर में फर्क है और हर के अपना अपना बेटा काम कर रहे, गोया बोलो डिविजन ऑफ लेबर है। अब बेटा एक बात अब याद करना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिवीजन ऑफ लेबर किस किस लेवल पर होती है, अब चैप्टर नंबर ये 4 आपसे कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर सेल लेवल पर है, चैप्टर 1 पढ़ोगे वो बताएगा डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनेल्स लेवल पर है, जबकि हम कहते हैं ना सिर्फ
ऑर्गेनेल्स और सेल लेवल पर है, बल्कि टिश्यू लेवल पर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर टिश्यू बच्चों अपना काम कर रहे हैं। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे बड़ा बहुत सारे सेल इकट्ठे हुए, ये स्किन के सेल्स इकट्ठे होकर आपकी स्किन को बना दिया, उसमें एपिडर्मिस को बना दिया, ये टिश्यू इकट्ठे हो गए, टिश्यू बन गए। इस तरह बोन के सेल मिलकर बोन को बना देंगे, या हार्ट के बहुत सारे सेल मिलकर हार्ट के टिश्यू बना देते हैं। तो गोया जो टिश्यू जहां खड़ा हुआ है, हर टिश्यू भी अपना अपना काम कर रहा है। गोया बोलते टिश्यूज में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। फिर बेटा हम कहते हैं ऑर्गन्स, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसा कि हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, लिवर, स्टमक, ये सारे ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन अपना काम कर रहा है, इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। फिर ऑर्गन्स मिलकर बोलते सिस्टम्स को बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, मस्कुलर एटसेट्रा, हर सिस्टम अपना अपना काम कर रहा है, यानी कि इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है। अब देखो ना बेटा, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, सिस्टम, इन पांचों लेवल के ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि उसमें एक ऑर्गेनेल्स लिखा हुआ हो, एक सेल लिखा हुआ हो, एक टिश्यू लिखा हुआ हो, आगे आल लिखा हुआ हो, तो बेटा आपने जाकर आल को टिक करना है, क्योंकि इन तमाम में डिवीजन ऑफ लेबर है। बेटा ये एक टॉपिक तो हो गया आपका खत्म, ये बेटा खत्म हो गया आपका टॉपिक। अब आज बेटा हमने बकायदा स्टार्ट करना है किसको, स्ट्रक्चर ऑफ अ जर्नलाइज्ड सेल्स, यानी कि एक जो जर्नल सेल है, एक जो कॉमन सेल है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं आप। अभी तक बेटा सिर्फ आपने सेल को देखा है, अब आप सेल के अंदर देखना चाहते हैं कि सेल के अंदर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या है, या उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी है। ना सिर्फ आप उनको देखना चाहते हैं, बल्कि मेरे बच्चों आप उनको वहां से अलहदा भी करना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे कि पहला मसला तो यह है कि सेल के अंदर से इन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को कैसे निकाला जाए, अलहदा कैसे किया जाए, आइसोलेट कैसे किया जाए। तो एक टेक्निक बेटा हम इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को बेटा हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। टेक्निक का बड़ा नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन से लफ्ज है माइनस करना, निकालना। देखो बच्चों, जब आप सेल में से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अलहदा करेंगे, गोया वो चीज वहां पर कम होती जा रही है, माइनस होती जा रही है, माइनस होती जा रही है, गोया बच्चों उसकी फ्रैक्शन हो रही है, वो चीज कम होती जा रही है। तो इसलिए टेक्निक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अच्छा जी ठीक है, आगे कहता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर देखना हो तो क्या करेंगे आप। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो आपकी आम लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप है उसमें भी देख सकते हैं आप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, असल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके जरिए हर एक ऑर्गेनेल आपको वाजे नजर आ सकता है। फिर कहते हैं दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइसोलेट different compartments are the organelles। बच्चों याद करना, देखो बेटा जो टेक्निक है उसका नाम है सेल्फ फ्रैक्शनेशन, और जो मशीन इस्तेमाल होगी उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूग मशीन। लिखा हुआ है बच्चों यहां पर स्टेप्स में, सेंट्रीफ्यूग मशीन है, यानी कि अगर आपने स्ट्रक्चर को बच्चों देखना है अंदर से और ऑर्गेनेल्स अलहदा करके देखने हैं, तो जो मशीन इस्तेमाल होगी सेंट्रीफ्यूग मशीन है, जो टेक्निक इस्तेमाल होती है सेल्फ फ्रैक्शनेशन है। अब जो बेटा टेक्निक है उसने कहा था दिस टेक्निक इज यूज्ड टू आइसोलेट, अलहदा करना, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स। इस टेक्निक के जरिए अब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को, सेल के हिस्सों को सेल में से अलहदा कर सकते हैं। करना क्या है बच्चों, देखो डायग्राम बेटा दिखाई दिया आपको ये वाली, हाँ एक मिनट ठहरो मेरे बच्चों, ये मशीन है बेटा, इस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन। लिखा हुआ है ये बेटा सेंट्रीफ्यूग मशीन है ये वाली। अगर मशीन को बच्चों देखा जाए
इसके अंदर ही हिस्सा आपको नजर आ रहे हैं। ये वो एरिया है जिसमें डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स को हम अंदर रखते हैं, यानी कि ढकना, बच्चों खोलेंगे आप ये ढकना, लीड इसका ये खोलेंगे और इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब को जाकर आपने रखना है। अच्छा, वो कैसे रख सकते हैं बच्चों? अंदर उसके ऐसे खला है, वो टेस्ट ट्यूब, जैसे बड़ा मैं कहता हूं ये एक मार्कर है, ये टेस्ट ट्यूब बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब को आपने उस खाने के अंदर रखना है। जब रखेंगे आप उसको ऐसे, तो इतनी टेस्ट ट्यूब ये सारी अंदर चली जाएगी, इतना सा हिस्सा आपको बड़ी मुश्किल से बाहर नजर आएगा। तो इस एरिया में जो बड़ा दिखा रहे थे आपको, इस एरिया में टेस्ट ट्यूब्स को अंदर रखते हैं, ये मशीन है, टेस्ट ट्यूब बड़ा यहां रखते हैं और ये इसका अंदर वाला हिस्सा घूमता है, ये सारा घूमता है, स्पिन होता है ऐसे, और इधर ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन बच्चों लगा हुआ है, और फिर जहां से आप रेगुलेट करते हैं उसकी स्पीड को, और पीछे बच्चों इसकी एक वायर लगी होती है, वायर लगाएंगे, तार लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे और ये बटन दबाएंगे और ये स्पीड आप मेंटेन करेंगे, और उसके बाद इस ढकने को आप नीचे रख देंगे, कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब चले गया, मशीन चलेगी, तो अंदर का हिस्सा बच्चों घूमेगा, ये सारा घूमेगा, स्पिन होगा, ये मशीन है। अब करना क्या है बच्चों? एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, टिश्यूज, टिश्यूज इसमें डाल देने हैं, टिश्यू डालने हैं। ये याद करना कि टिश्यू सिर्फ एक चीज के डालना है, जैसे बेटा मैं कहता हूं अगर एनिमल के हैं तो एनिमल के डालें, फिर ये स्पेसिफाई करना है कि एनिमल के कौन से डाल रहे हैं। जैसे बड़ा एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं आपकी स्किन वाले, या हार्ट के टिश्यू वो हो सकते हैं, या लीवर के हो सकते हैं, जिसके डालें एक टिश्यू डालें आप। पहले ये तय होगा एनिमल के प्लांट, फिर उसके बाद तय होगा एनिमल के कौन से टिश्यू डालने हैं, तो वो टिश्यू डाल दिया आपने यहां पर। जैसे बेटा मैं कहता हूं आपने लीवर के टिश्यू डाल दिए, लीवर के सेल डाल दिए, जिगर के सेल डाल दिया बेटा, फिर देखो ना एक बड़ा ब्लैक दिखा रहा है आपको, ये डिफरेंट मीडियम तैयार हुआ है। मीडियम के बच्चों मुराद है कि वो एसेंशियल केमिकल जो उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो सारे केमिकल वाटर वगैरह वो डाल देने इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और टेस्ट ट्यूब को बच्चों उठाकर फिर आपने किसी एक खाने में जाकर प्लेस कर देना है, और ढकना ऊपर रखें ये वाला, उसके बाद वो स्विच ऑन करें, स्टार्ट करें, और यहां से स्पीड मेंटेन करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको अंदर से घूमने दें, स्पिन करवाने दें, इतने टाइम के बाद इसको स्टॉप करना है आपने। मशीन स्टॉप हो गई, टेस्ट ट्यूब को वहां से निकालना है और यहां रख देना है। जब बड़ा रखेंगे तो उसमें डिफरेंट ऐसे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लेयर बच्चों बनती जा रही है, ऊपर नीचे लेयर बनती है, कोई बच्चों ऊपर चले गए, कोई नीचे आ गए, उससे नीचे आ गए। जैसे बेटा मैं कहता हूँ आपसे कि टेस्ट ट्यूब बच्चों निकाली आपने ऐसे, उसमें डिफरेंट ऐसे बच्चों लेयर्स बन गए, डिफरेंट लेयर्स बने होते हैं, यूं करते हैं। वो जो लेयर बनती हैं, दे आर ऑन द बेस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट, कसाफत में फर्क की वजह से बनती है, कसाफत डेंसिटी, एंड ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ द वेट एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनेल्स। जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके साइज, वेट और डेंसिटी के लिहाज से इस टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट लेयर्स बननी है, ऐसे बच्चों लेयर बनती हैं। अब बेटा हमारे पास लेबोरेटरी में बकायदा चार्ट बना होता है कि फिलहाल जो ऑर्गेनेल्स है वो किस डेंसिटी के ऊपर जाकर इकट्ठा हो सकता है, वो हम पहले से मौजूद है, सॉरी मालूम है हमें। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा है, अगर सबसे बड़ा है उसका साइज ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो भारी चीज है हमेशा पानी में नीचे डूबती है, तो सबसे भारी जो ऑर्गेनेल्स होगा सबसे निचली तह में इकट्ठा होगा, बॉटम के अंदर। फिर मैं कहता हूं न्यूक्लियस के बाद जो हल्के ऑर्गेनेल्स थे, जैसे बेटा मैं कहता हूँ जैसे माइटोकांड्रिया, उसका साइज, उसका वेट, उसकी डेंसिटी उससे कम है, वो उसके ऊपर की तह में इकट्ठे होने, और उससे हल्के ऑर्गेनेल्स जैसे बेटा कहता हूँ गॉल्जी है उसके ऊपर, और जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर की तह में इकट्ठा होगा। जैसे बेटा मैं कहता हूँ कि राइबोसोम सबसे छोटे हैं, उसकी डेंसिटी सबसे कम है, वो सबसे ऊपर इकट्ठे होंगे।
आपने डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडिएंट के लिहाज से उसकी डिफरेंट लेयर्स देखनी है, लेयर बचो बनती है ऐसे। अब जैसे मैं कहता हूं आपको पहले से मालूम है कि लेट्स से जैसे बड़ा मैं कहता हूं यहां पर न्यूक्लियस मौजूद है, यहां पर आपने ड्रॉपर लेना है, ड्रॉपर, उस ड्रॉपर को टेस्ट ट्यूब में डालें, उस तह तक लेकर जाएं, उसमें से मटेरियल निकालें और फिर जाकर आप रखेंगे स्लाइड के ऊपर और फिर जाकर देंगे माइक्रोस्कोप में, तो वही आर्गेनेल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जब बेटा आपने देखना, फॉर एग्जाम्पल के मैंने कहा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस बचो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, तो ड्रॉपर वहां तक लेकर जाएं, उस तह में से आप न्यूक्लियस को लें थोड़ा सा, टेस्ट ट्यूब पर जाकर रखें, टेस्ट ट्यूब में से निकाल के बच्चों रखेंगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, ग्लास स्लाइड को जाकर देंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको वही आर्गेनेल नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो उसने बेटा आपको समझाया, वापस हम चलते हैं, उसने बेटा समझाया आपको, तो हाँ समझाया कि ये टेक्निक है और ये मशीन है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इस टेक्निक और इस मशीन के जरिए आप डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अलहदा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं उसे स्टेप वाइज क्या लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज आर होमोजेनाइज्ड, मिक्स इक्वली इन अ सेंट्रीफ्यूग, सॉरी सेंट्रीफ्यूग बेटा मशीन नहीं आएगा, इन अ टेस्ट ट्यूब आएगा, इन टेस्ट ट्यूब। हाँ जब टेस्ट ट्यूब बच्चों रखोगे उस मशीन के अंदर, जब आप स्पिन करवाएंगे तो उसके बाद वो मटेरियल इक्वली होमोजेनाइज होना चाहिए। अब ये बात ठीक है। अब जैसे बड़ा हम डायग्राम को देखते हैं ना, यहाँ पर देखो लिखा उसे टिश्यू आर होमोजेनाइज, यानी कि स्पिन करवाने का बड़ा मतलब क्या है, दो मतलब हैं, एक तो टिश्यूज होमोजेनाइज हो जाएं, इक्वली सारे फैल जाएं, और फिर अपने अपने डेंसिटी के लिहाज से वो ऑर्गेनेल्स अपनी तह में इकट्ठे होंगे। देखो बच्चों आपने बड़ा टेस्ट ट्यूब को यहां रखा, इसको स्पिन करवाया, स्पिन कराने से बेटा क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अलहदा अलहदा हो जाएंगे सेल में से, और फिर हर ऑर्गेनेल अपने डेंसिटी के लिहाज से जाकर उस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होगा। यानी कि बेटा क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, टिश्यू डाले, उठाकर टेस्ट ट्यूब को रखा इस मशीन में, इसको स्टार्ट किया, स्पिन करवाया, स्पिन करवाने के बाद टेस्ट ट्यूब को निकाला, आके रखा, टिश्यूज होमोजिनाइज है। अब जब रखेंगे ना निकाल कर, तो कुछ देर के बाद डिफरेंट बेटा ऐसे लेयर्स बनना वो शुरू हो जाएंगे। तो हर लेयर के अंदर उसके अपने अपने ऑर्गेनेल्स होने हैं, और जिस लेयर में से आप मवाल लेना चाहेंगे सिर्फ वही ऑर्गेनेल उसमें से बाहर आएगा, और उसको जाकर आप माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं। जैसे बेटा पीछे वापस आओ, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडिएंट, ये आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों, डिफरेंट जो सेल के पार्ट्स हैं ऑर्गेनेल्स हैं वो अलग क्यों होते हैं, डेंसिटी में फर्क की वजह, ग्रेडिएंट फर्क, कसाफत में फर्क की वजह से अलग हो रहे हैं। स्पिनिंग विद स्पेशल मीडियम, यानी कि बड़ा उसमें टाइम और स्पीड का ध्यान करना होता है, और मीडियम भी मखसूस आपने तैयार किया। डिफरेंट ब्रोकन यानी कि आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ सेल्स फॉर्म द डिफरेंट लेयर्स ऑन द बेस ऑफ द साइज वेट एंड द डेंसिटी, बच्चों ये भी याद करना, ये ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बेटा वो जो लेयर्स बनती हैं डिफरेंट लेयर्स टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो किस बुनियाद पे बनती हैं, ऑन द बेस ऑफ द साइज वेट एंड द डेंसिटी, डायग्राम है। फिर कहते हैं सम सेलुलर पार्ट्स नॉट आइसोलेटेड इजिली, यानी कि आपने उसको होमोजिनाइज किया, उसको स्पिन करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऑर्गेनेल अलैहदा नहीं होते, देन रिक्वायर हाई स्पीड एंड आल्सो इंक्रीज द टाइम, फिर आपने दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं, इसकी बड़ा यहाँ पर स्पीड होती है, स्पीड पहले से बढ़ा दो आप नंबर वन, और नंबर टू उसका टाइम भी बढ़ा दें। जैसे बेटा मैं कहता हूँ पहले आपने उसको 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर घुमाया था, अब जब अलहदा नहीं हो रहे कुछ पार्ट्स, तो अब आप टाइम 4 से 5 के बजाय 10 मिनट कर दें, टाइम बढ़ा दिया, और उसके बाद स्पीड भी बढ़ा दें। टाइम और स्पीड बढ़ाने से जो पार्ट्स बच्चों अलहदा नहीं हो रहे थे अब वो अलहदा हो जाएंगे, इसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी आएगा, व्हाट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये लिखना बाद बुक में लिखी हुई है कि सम सेलुलर पार्ट्स नॉट आइसोलेटेड इजिली देन रिक्वायर हाई स्पीड एंड आल्सो इंक्रीज ऑफ द टाइम, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये अमल बच्चों अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। आखिर में कहता है इसी इसी में कि
ऐसे है तो बच्चों उससे अलहदा तो बात बड़ा अलहदा आएगी। ये वही पुरानी बात आ रही है कि फॉलोइंग थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल, बुनियादी तौर पर सेल के तीन अज्जा होते हैं। ये हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, स्लाइडन और शवान ने बच्चों बताया था, स्लाइडन और शवान ने, कि कोई भी सेल हो चाहे बड़ा वो बैक्टीरिया है, वो एनिमल का है, फंजाई का है, प्लांट का है, अगर वो सेल है तो उसके तीन बुनियादी अज्जा होंगे। ये वही बच्चों बात दोबारा आ रही है, वो तीन बुनियादी अज्जा कौन से? नंबर वन उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होगा, नंबर टू बच्चों साइटोप्लाज्म होगा, और नंबर थ्री बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। वापस एक दफा देख लो, परेशान नहीं होना बच्चों, थोड़ा ये हमारा टॉपिक है असल ये वाला, कि हमने कहा अगर आपने किसी सेल के स्ट्रक्चर को देखना है तो कैसे देखेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स सारे बेटा अलहदा किया जाए, तो बेटा टेक्निक इस्तेमाल होती है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक, और जो मशीन बेटा इस्तेमाल होती है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूग मशीन, ठीक है। फिर बेटा हमने कहा था कि ये वो टेक्निक है विच इज यूज टू आइसोलेट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑर्गेनेल्स, तो करना बेटा क्या था हमने, तो हमने पढ़ा बेटा सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब जो ली तो उसमें आपने टिश्यू डाल दिए, उस टेस्ट ट्यूब को उठाकर डाला आपने सेंट्रीफ्यूग मशीन के एक खाने में लगा देना है, रख दिया आपने, फिर ढकना है, इसके ऊपर प्लेस करना है, स्टार्ट करना है, स्पीड लगानी है, 3 से 4 मिनट तक उसको अब स्पिन होने दें, फिर इतने मिनट के बाद उसको स्टॉप करना है, तो उसके बाद बेटा फिर टेस्ट ट्यूब को यहां से निकाल कर रखना है आपने, जब रखेंगे तो उस वक्त इसमें डिफरेंट लेयर्स बच्चों बनना शुरू हो जाएंगी, और बेटा पीछे बताते आपको कि वो लेयर बनती हैं, लेयर बनती हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ऑफ द साइज वेट एंड द डेंसिटी, इस बुनियाद पर डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, और वो सेल्स के ऑर्गेनेल्स अलहदा कैसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट। फिर बेटा हमने कहा कि बाज औकात वो ऑर्गेनेल्स सही तौर पर जो जल्दी अलहदा नहीं होते तो फिर क्या करें हम, फिर दो काम करने होते हैं, उसकी स्पीड और टाइम को बढ़ा दें तो वो ऑर्गेनेल्स बच्चों अलहदा हो जाएंगे, इस अमल को हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर बड़ा लास्ट में हमने कहा कि सेल के थ्री बेसिक पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस मेरे बच्चों आज का टॉपिक बड़ा खत्म हो गया, परेशान नहीं होना, ये जो ना स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आता है ध्यान करना, ये लाजमी तौर पर आएगा, शाबाश। हाँ मेरे बच्चों बेटा कोई बात तो मुझे बताओ आप, जैसे बेटा मैंने अनम्यूट किया, हानिया अकरम को बेटा बताओ, बेटा कोई मसला है, कोई बात पूछनी हो आपने? नो सर। बेटा समझ आई आपको? यस सर। शाबाश, एक मिनट ठहरो मेरे बच्चों, शाबाश। एक मिनट।